हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट नरेशन क्लास 12th ग्रामर टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस इन नरेशन टॉपिक। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो रूल्स थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम पास्ट टेंस के बारे में बात करें तो पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सो देयर विल बी चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इसमें एक सबसे पहले बात जाननी जो जरूरी है कि पहले यहाँ से टू था, विल से टू था, लेकिन अब जो है सेड और सेड टू होगा। तो स्टूडेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसमें अगर आपको सेड और सेड टू दिया है तो सेड किस में चेंज होगा, सेड में चेंज होगा, और सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। इतनी सी बात है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, सेड को सेड में चेंज करना है और सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, टेंस रिलेटेड चेंजेस, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहे हैं अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में तो इसके टेंस में चेंज होगा, तो टेंस रिलेटेड चेंजेस मैंने ये लिखा है। टेंस रिलेटेड चेंजेस ये सब रिपोर्टेड स्पीच में होंगे चेंजेस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको इज एम आर दिया है तो आप किसको चेंज करेंगे, वॉज वर्ब। मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मीन्स अगर वॉज वर है तो हैड बीन में चेंज होगा, हैज हैव है तो हैड में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। वहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, और सेकंड फॉर्म जो है यानी पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी, यानी सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। और स्टूडेंट यहाँ मैंने लिखा है व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में कब चेंज करनी है और सेकंड फॉर्म जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है वो कब चेंज करनी है, वो तब चेंज होगी जब हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी। क्योंकि इज एम आर भी एक हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव भी है, डू डज है, डज नॉट है, डिड है, विल शैल मॉडल्स हैं, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होती है तब ये कंडीशन अप्लाई होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकेंड फॉर्म में चेंज होगी। जैसे एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस में बोलता हूँ आई एम गोइंग टू मार्केट और एक मैंने बोला आई गो टू मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई एम गोइंग टू मार्केट उसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, लेकिन आई गो टू मार्केट उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। मीन्स आई के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जो गो फॉर्म दी हुई है आपको, फर्स्ट फॉर्म आई गो, उसको आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। उसी तरीके से अगर आपको आई वेंट टू मार्केट दिया हुआ है तो आई के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वेंट को आप किस में चेंज कर देंगे, हैड गॉन में। मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो हम बात करते हैं डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमें किस में चेंज करना है, सेकंड फॉर्म में। लेकिन इसके लिए बात जाना जरूरी है, अगर सिर्फ आपको डू डज दिया है, इसके साथ अगर नॉट नहीं दिया है, कंडीशन यही अप्लाई रहेगी, सिर्फ डू डज दिया हुआ है तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ इसी तरीके से सेम, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में। अगर आपको डू डज, सिर्फ डू डज दिया है, उसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अब देखो सेम ऐसे, इसमें डू नॉट दिया हुआ है लेकिन इसमें नॉट नहीं था। अगर डू नॉट, अगर डज नॉट आपको दिया है तो वो किस में चेंज होगा, डिड नॉट में चेंज होगा। और डिड दिया है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें अगर डिड नॉट है तो हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर सिर्फ डिड है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, विल शैल वुड और शुड में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि अगर विल और शैल दिया है तो आप दोनों को किस में चेंज कीजिए, वुड में कीजिए। शैल शुड में भी होता है लेकिन इसके लिए कंडीशन अलग है, हमेशा शैल के साथ में शुड नहीं लिखा जाएगा, विल शैल के साथ में हमेशा वुड लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, विल शैल के साथ में वुड लिखा जाएगा, और शैल के साथ शुड का यूज तब होगा जब सेंस किसका होगा, चाहिए का, यानी शुड के अंदर चाहिए का सेंस होगा, तब उसके बाद में हम शैल को शुड में करेंगे, अदरवाइज आप विल और शैल को वुड में ही चेंज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आपको कुड, वुड, शुड, मस्ट अगर आपको दिए हैं या अदर कोई भी मॉडल कुछ दिया हुआ है
जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते तो वो नो चेंज होंगे, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने एक यहाँ सेंटेंस लिखा है, शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग चेस। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में जो रिपोर्टेड स्पीच। अब सेट टू से हमें पता लग गया कि ये पास्ट टेंस में है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेट टू ये सब पास्ट टेंस के हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। तो सेट टू किस में इसको भी करने से पहले स्टूडेंट्स ये तो टेंस रिलेटेड चेंजेस मैंने आपको बताया था, इसके बाद जो आता है टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस, उसमें भी चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ कर देता हूं, इसके बाद मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस बताता हूं। ये सेंटेंस मैं दोबारा लिख दूंगा, एक बार मैं इरेज कर रहा हूं इसे। तो स्टूडेंट्स टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस में टाइम एंड टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस। स्टूडेंट्स अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिस दिया है तो वो चेंज करेंगे दैट में। ओके स्टूडेंट्स हेयर दिया है तो देयर में, जस्ट या नाउ अगर आपको दिया है तो वो चेंज होगा देन में। सो स्टूडेंट्स चेंज होगा, सॉरी दस जो है वो चेंज होगा सो में, दीज दोज में, एगो बिफोर में चेंज होगा, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर लास्ट दिया है लास्ट चेंज होगा द प्रीवियस। लास्ट मीन्स लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो वो किस में चेंज होगा प्रीवियस में। अगर नेक्स्ट दिया है द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आपको हैंस दिया है तो वो चेंज होगा थैंस में, हाइथर थाइथर में चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो इसके बाद हम सेंटेंस करेंगे इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम सेंटेंस करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। मैंने सेंटेंस लिखा था शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग चेस। स्टूडेंट्स ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे अपने। स्टूडेंट्स ये सेम रूल वही अप्लाई होगा, सेम शी एज इट इज सेड टू आप देख सकते हैं टोल्ड में चेंज होगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा टोल्ड, मी का मी कनेक्टिव आपको पता है क्या लिखा जाएगा दैट, तो हमने यहाँ क्या लिखा दैट। अब यहाँ से हमारे पर्सन शुरू हो जाते हैं, तो आइए आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन है और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एस ओ एन फर्स्ट सेकेंड
थर्ड फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है, शी। आई नॉमिनेटिव केस है, मीन्स सब्जेक्टिव केस है, तो शी का सब्जेक्टिव केस शी ही होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शी। अब एम किस में चेंज होगा, आप देख सकते हैं एम जो चेंज होगा वो एम जो मैंने अभी आपको लिखवाया था उसमें एम वॉज वर्ब में चेंज होगा, इज एम आर वॉज वर्ब में, तो शी के साथ में वॉज और प्लेइंग चेस। ये स्टूडेंट्स अपना आंसर कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से एक सेंटेंस और आप देख सकते हैं, ही सेड टू हर आई हैव गिवन यू माई पेन। अब एक स्टूडेंट एक ये सेंटेंस है आप देख सकते हैं, इसमें कि किस तरीके से सॉल्व करना है हमें इसे। ही सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज होगा, हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उसकी जगह पे हमने कंजक्शन जो है वो दैट लगा दिया है, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि ही कैसे आया। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है प्रोनाउन चेंज करने में तो मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ, अगर आपको ही भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज नहीं करने आ रहा तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आई यहाँ पर जो प्रोनाउन है पहले इसके प्रोनाउन लिख लीजिए, आई माई मी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आई जिसके अकॉर्डिंग चेंज करने हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो इसके भी प्रोनाउन इसके सामने लिख दीजिए, ही हिज हिम। अब आप देख सकते हैं आई जो नॉमिनेटिव केस है तो ही का भी नॉमिनेटिव केस लगेगा, तो ही का नॉमिनेटिव केस ही है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर माय होता तो आंसर क्या होता, हिज होता, और अगर मान लो मी होता तो क्या होता, हिम होता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा रूल है, आप देख सकते हैं। तो ही लगाया और हैज अब किस में चेंज होगा, हैड में, और गिवन टेंस रिलेटेड चेंजेस में आप देख सकते हैं जो हैज अब था वो हैड में चेंज होता था, तो हमने हैड में चेंज कर दिया। उसके बाद गिवन, अब देखो स्टूडेंट्स यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट जो है वो हर है। अब स्टूडेंट्स इसका रूल क्या है, अब कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, आप इसको भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल इजी। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो यू वाले प्रोनाउन हम लिख देते हैं, यू योर यू, और किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, हर के अकॉर्डिंग, यानी यू जो केस है, यानी यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। अब इसके सामने हम हर वाले प्रोनाउन लिख देते हैं, शी हर और हर। अब ये जो केस है वो कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हर का ऑब्जेक्टिव केस हर ही है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मींस आप देख सकते हैं क्योंकि ये यू तब सब्जेक्टिव केस तब होता है जब स्टार्टिंग होती है, और ये यू यहाँ सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और अब आप देख सकते हैं माई फिर फर्स्ट पर्सन आ गया है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है सब्जेक्ट। अब माय वाले आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली, आप समझ गए होंगे कि क्या आंसर होगा। माय का जो है आई माय मी किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके लिख सकते हैं हम ही हिज और हिम। वहाँ माय है, कौन सा केस है ये, पजेसिव एडजेक्टिव, और उसका मैंने क्या बताया था, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, आप देख सकते हैं आगे नाउन है पेन, तो माय यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आएगा, यानी अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो ही का भी पजेसिव एडजेक्टिव ही लगेगा, तो हर के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, हिज और पेन का पेन, ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम जो है इसी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब बिल्कुल ईजी होता चला जाएगा सब कुछ, मतलब ईजी हो जाएगा, अभी हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस, थैंक यू स्टूडेंट।